अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद अमन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी, जो हम बनाने वाले हैं कुनपाओ चिकन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए लेंगे हम चिकन बोनलेस 1/2 kg, इसको हमने बाइट साइज में कट कर लेना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, बेकिंग पाउडर 1 pinch, सोया सॉस 1 tablespoon, कॉर्नफ्लोर 1 tablespoon। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको फौरन ही फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं। तो ये मिक्स कर लिया है हमने, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वॉक। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 2 tablespoon। ऑयल जब गर्म हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन और हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के प्लेट में साइड पे रख देंगे। उसी वॉक के अंदर हम ऐड करेंगे पीनट्स 1/4 cup और इसको भी हम कर लेंगे रोस्ट लाइट गोल्डन होने तक। ऑयल इसके अंदर जो हमने चिकन के लिए डाला था वो ऑलरेडी था, बट अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप इसके अंदर 1 tablespoon ऑयल ऐड कर लीजिएगा। तो पीनट जो है हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1 cup और इसको भी हम कर लेंगे फ्राई। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा इसका क्रिस्प भी रहे इतना बस हम इसको फ्राई करेंगे, देन हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हमने इसका बनाना है सॉस। उसके लिए हमें चाहिए चिकन स्टॉक यानी चिकन की यखनी 1/2 cup। ये नॉर्मल जिस तरह से हम यखनी बनाते हैं वैसे ही बनाई है मैंने। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस 2 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon, विनीगर 1.5 tablespoon, चिली सॉस या हॉट सॉस 1 teaspoon, टमाटो केचप 1 tablespoon, ब्राउन शुगर 1 teaspoon, इसकी जगह आप व्हाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर 1/2 tablespoon और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये मिक्स हो गया है, अब हम इसकी फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था उसी वॉक में हम ऐड करेंगे ऑयल 2 tablespoon, इसमें ऐड करेंगे गार्लिक चॉप्ड 1 tablespoon, रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, ड्राई रेड चिलीज 4 to 5, ये मैंने लंबी वाली ऐड की है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर गोल वाली भी डाल सकते हैं। इसको हम सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉस और इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने चिकन और वेजिटेबल को फ्राई किया था वो, एंड अगेन हम इसको 1 to 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे ताकि चिकन और वेजिटेबल में जो सॉस का टेस्ट है वो चले जाए। तो देखिए ये अभी हो रहा है लिक्विडी, इसको हमने थिक करना है। तो उसके लिए हम लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 tablespoon और इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर 1/4 cup, मिक्स कर लेंगे इसको। अब हमने इसको पूरा एक साथ नहीं डाल देना है, हम पहले थोड़ा डालेंगे और थोड़ा डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। एक साथ अगर आप पूरा डाल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा थिक हो जाए। तो ये देखिए ये अभी भी लिक्विड ही है। अब हम पूरा एक साथ डाल देंगे और इसको अगेन कर लेंगे मिक्स एंड देन हम इसको कुक करेंगे 1 to 2 मिनट्स के लिए जब तक ये थिक ना हो जाए। तो देखिए ये थिक हो चुका है। अब हम इसके कुकिंग प्रोसेस को कर देंगे यहीं पे स्टॉप। मैंने इसके अंदर रखी है थोड़ी ग्रेवी क्योंकि मुझे इसको सर्व करना है फ्राइड राइस के साथ। कुछ लोग इसके सॉस को बिल्कुल ड्राई भी कर देते हैं क्योंकि उनको करना होता है स्टार्टर में सर्व। तो अगर आपने भी इसको एज अ स्टार्टर बनाना है तो आप इसकी ग्रेवी को जो है वो इसका जो सॉस है उसको बिल्कुल ट्राई कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के लीव से। तो कुनपाओ जो है वो हमारा रेडी है। चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
डिलीशियस सा कुन पाव चिकन हमारा रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।